How to draw Bhagat Singh portrait pastel color, medium is pastel color. So illustration हल्का सा हम कर दिया है portrait का. उसको बाद next sketching and color में follow करो. So this is the sketching. अभी इसमें outline करना है, black outline. उसको बाद color में हम जाएंगे. So starting हम ऊपर से कर रहे हैं, head से. The ear portion. So outline sketch पहले बढ़िया से करना है, उसको बाद तुम कलर में जाना है. आई ग्रुप पोर्शन सॉलिड ब्लैक जिधर है वो पहले कर लो.
जो जो सॉलिड ब्लैक पोर्शन है उसको पहले फिलअप कर लें। पहले हम शैडो पोर्शन जो है उसको पहले हम फिलअप कर रहे हैं। शैडो पोर्शन के बाद उसको बाद हम कलर में जाएंगे। पहले ब्लैक एंड ब्लैक कलर में उसको शैडो पोर्शन जिधर है उसको हम फिलअप कर रहे हैं। This side also shadow.
शैडो पोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया, अभी हम कलर में चल रहे हैं। कलर में देखो किस तरफ कलर अभी फिलअप करने हैं। तो फर्स्ट हम कलर टोन ऑरेंज एंड येलो में चल रहे हैं। येलो में जाना है, नॉट लेमन येलो। फर्स्ट क्रोम येलो हम फिलअप कर रहे हैं। देन ऑरेंज, अभी ऑरेंज में देखो इसके ऊपर हल्का से येलो के ऊपर हल्का से हम ऑरेंज मिक्सिंग कर रहे हैं। सो ज्यादा डार्क नहीं, हल्का से ऑरेंज मिक्सिंग करना है। लोग डायरेक्ट ऑरेंज कलर भी यूज कर सकते हैं, बट ऑरेंज कलर डायरेक्ट देगा तो डायरेक्ट ऑरेंज येलो इच ऑरेंज नहीं होगा। इसमें तो लुकिंग है, कलर मिक्सिंग जो हम कर रहे हैं इसको लुकिंग देखो, ऑरेंज लुकिंग येलो, येलो इज ऑरेंज। तो डायरेक्ट ऑरेंज कर देगा तो ऑरेंज ही हो जाएगा, और दोनों कलर मिक्स करके करेगा तो उसको लुकिंग कलर का ब्राइटनेस ज़्यादा होगा और देखने भी अच्छा रहेगा, इसलिए दोनों कलर हम मिक्सिंग कर रहे हैं। अभी हम डायरेक्ट ऑरेंज कलर यूज कर रहे हैं, जो जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है, लाइट पोर्शन, व्हाइट मीन्स दिस इज लाइट पोर्शन, लाइट एंड शैडो, शैडो पोर्शन इज ब्लैक, लाइट पोर्शन इज ऑरेंज। इसी के ऊपर ऑरेंज स्किन कलर में हम ऑरेंज में चल रहे हैं, और स्किन कलर भी यूज कर सकते हैं। तो स्किन कलर में हम चले गए, स्किन कलर पहले यूज करो।
इज द टोन इज चेंज सम ग्रे स्टोन आ जाएगा और स्किन कलर के साथ, स्किन कलर के साथ हम ग्रे कलर यूज कर रहे हैं, इसमें देखो थोड़ा कलर इज चेंज। ग्रे के साथ हम ब्लू यूज कर रहे हैं, ग्रीन ग्रे के साथ हल्का से ग्रीन हम यूज कर रहे हैं। सो दिस ग्रीन कलर इज जो फ्लैग सिग्नल कलर है, फ्लैग का जो कलर है उसी के साथ कुछ टच रहेगा, इसलिए इसमें तो ग्रीन कलर हम यूज किया है। ट्राई कलर जो रहता है वही टोन में हम काम कर रहे हैं। उसके साथ हम थोड़ा रेडियंट ग्रीन यूज कर रहे हैं, थोड़ा डार्क ग्रीन बीच बीच में हम यूज कर रहे हैं सी एंड फॉलो। तो लाइट ग्रीन के साथ हम रेडियंट ग्रीन यूज कर रहे हैं, सम ब्लैक
पोर्शन आई पोर्शन ब्लैक इसमें टच करना है। अभी देखो वायलेट टोन में हम जा रहे हैं, वायलेट टोन वेरी लाइट करके वायलेट टोन हम यूज कर रहे हैं। ब्लैक नहीं, दिस इज ब्राउन, लाइट ब्राउन, कुछ कुछ पोर्शन शैडो है, वो शैडो पोर्शन में तो हल्का से तुम लोग को टच करना है, ज्यादा नहीं, लाइट टोन दैट मीन सेकंड टोन में। फेस पोर्शन भी थोड़ा हल्का से ब्राउन टच कर दो। सो पोर्ट्रेट पोर्शन कलर इस कंप्लीट। अभी इंटरेस्टेड एक बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर से ट्राइंगल कलर, सो इसको हम फिलअप कर रहे हैं। ऑरेंज कलर इट्स नाउ कंप्लीट। देन ग्रीन, ग्रीन मीन्स रेड एंड ग्रीन।
So green person color, red and color is not complete. So color scheme बारे देखो, ज़्यादा color हम use नहीं किया है. First is orange, first yellow and then orange. And then black portion is shadow portion, तुम लोग को पहले complete करना है. उसको बाद कौन कौन कलर है, स्किन कलर है, ब्राउन है, सैप ग्रीन है एंड ब्रिलियन ग्रीन. सो यही कलर इसमें यूज हुआ है. सो दिस इज द कंप्लीट इज नो पोर्ट्रेट इज भगत सिंह. आउटलाइन ब्लैक हम एक तो कर देता है जैसे कॉन्ट्रास्ट लगेंगे इसमें. So this portrait is now complete. So okay, thank you.